नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसीएक्स शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ करना है, फ्री इंडिकेटर्स को डाउनलोड करना है MT4 के अंदर, और हमने एक स्ट्रेटजी जिसका नाम था स्पार्क्स ट्रेडिंग सिस्टम, उसके बारे में आपको बताया कि उसमें किस तरीके से सिग्नल बनते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फ्री इंडिकेटर्स की, फिर एक और फ्री टेम्पलेट की, जिसमें आपको मिल जाती हैं काफ़ी सारी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन। और इस टेम्पलेट का नाम है दोस्तों, यहाँ पर जब आप जाएंगे राइट क्लिक करके टेम्पलेट में, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड मास्टर स्ट्रेटजी के नाम से मिलेगा। ट्रेंड मास्टर स्ट्रेटजी यानी कि ट्रेंड के हिसाब से काम करती है, और इसमें हमने दो चार चीज़ें इंक्लूड की हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नीचे आपको सप्लाई डिमांड का इंडिकेटर मिल जाएगा, जो ये ब्लू और रेड कलर की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, मोटी मोटी सी बार जो हैं, ये आपकी सप्लाई और डिमांड यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं एक तरीके से, ठीक है। इनको बहुत खास ध्यान रखना होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एरो मिल जाता है, ये एरो आप देख पा रहे होंगे, बाय का एरो, ये बाय की कंफर्मेशन दे रहा है। और साथ ही साथ में यहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं, ये TMA की लाइनें हैं। और सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिबोनाकी के जो लेवल्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आते हैं दोस्तों इसके इस्तेमाल करने के तरीके पे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जब भी बाय का या सेल का सिग्नल मिलेगा तो आपको ट्रेड करना है। इस जो इसके नीचे की जो लाइन है TMA की, अगर इस लाइन के बैंड के यानी कि जो लाइन है इसके अगर लोअर बैंड के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो हमें एग्जिट कर देना है, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हमें टारगेट प्रॉफिट के लिए एग्जिट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना है, या फिर आधा परसेंट 1% के हिसाब से आप अपना ट्रेड कर सकते हो। जैसे इसमें जो है इंट्राडे यानी कि डेली डेली सिग्नल नहीं मिलते तो आपको वेट करना पड़ता है सिग्नल के। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में जो लास्ट ट्रेड इसमें बनाया था वो था आपका 17/9 को, और 17/9 के बाद आज जो है यहाँ पर एक सिग्नल आया था 25 तारीख को, तो 25 को सिग्नल आया और वो भी अभी तक चल रहा है बाय का सिग्नल। तो आप एरो टू एरो ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल नॉर्मल में ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जब भी कोई नया सिग्नल मिलेगा तो आपको साउंड अलर्ट मिलेगा, और साउंड अलर्ट को यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ADX का आपको ADX की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ADX की इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी कि ADX कितने मिनट का, ADX किस लेवल पे चल रहा है, कौन से मिनट का ADX बाइंग में और कौन से मिनट का सेलिंग में, ये सारा इन्फॉर्मेशन नीचे मिल जाता है आपको। राइट साइड पर आपको करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो अभी ये प्राइस रुका हुआ है, नहीं तो ये प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है या आपको। तो मैं इसको और किसी चार्ट में भी लगा के दिखा सकता हूँ आपको, जैसे हम क्रूड ऑयल में लगा सकते हैं। ये देखिए अभी एक सिग्नल जैसे इसमें, अभी क्योंकि हमने चार्ट चेंज किया था इसलिए इसने सिग्नल दिखाया हमें लास्ट सिग्नल का, लेकिन हमें काम करना है वो करंट सिग्नल पे ही काम करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको सेल का सिग्नल मिला था, और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स जो बिल्कुल सपोर्ट लेवल बहुत पास पास ही थे, और ये सपोर्ट लेवल जो ये ब्रेक ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया तो ब्रेक नहीं हुआ, तो अब क्या चांसेस क्या है अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा और फिर बाय के सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है आप ट्रेंड मास्टर सिस्टम, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्री इंडिकेटर है, डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जो कि टेम्पलेट्स हमने बताया पहले वीडियो में किस तरीके से टेम्पलेट और इंडिकेटर्स को इंस्टॉल करना है, तो आप वहाँ से इंस्टॉल करके इनको कर सकते हो डाउनलोड और उनको कर सकते हो यूज़। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब फिर हम बताएंगे आपको एक और नई स्ट्रेटजी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।